आधार कार्ड को लेकर 5 जरूरी अपडेट और नए नियम आ रहे हैं। बड़ी खबर, आप देख सकते हैं दोस्तों कि आधार कार्ड बनवाने के नियम में भी बदलाव हुआ है। उदय ने इस बात की जानकारी दी है और इसका सीधा असर सभी पर पड़ेगा। क्या है आखिर कुछ नया नियम, मैं आपको बताऊंगा। वहीं और एक अपडेट देखिए आप, आधार कार्ड में एक बड़ा बदलाव ये हुआ कि अब पिता या पति का जिक्र नहीं होगा, तो फिर आखिर उसकी जगह क्या लिखा होगा और क्यों बदलाव का ये फैसला लिया गया, इस पर भी बड़ी खबर है, मैं आपको बताऊंगा। वहीं अब आप अपने आधार कार्ड से पर्सनल लोन भी ले सकते हैं। आधार कार्ड से लोन लेने की पूरी प्रक्रिया क्या है ये भी जानेंगे। बच्चों के आधार कार्ड बनवाने के लिए घर घर आएंगे डाकिया, स्मार्ट मोबाइल से लेस होंगे, इस पर भी एक बड़ा अपडेट है जानेंगे। वहीं अब आप अपने आधार कार्ड को बिना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसका भी तरीका उदय ने बताया है। तो आधार कार्ड से संबंधित एक एक करके 5 बड़े अपडेट नए नियम मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। अगर आपका भी आधार कार्ड बना हुआ है या आप अपने छोटे बच्चे बच्चों का आधार कार्ड बनवाने की सोच रहे हैं, कुल मिलाकर के आपको ये पूरा वीडियो ध्यान से देखना चाहिए। अच्छा, सबसे पहला जो नया नियम मैं आपको बता रहा था कि आधार कार्ड बनवाने के नियमों में बदलाव हुआ है, उदय ने इस बात की जानकारी दी, और वो ये कि अब छोटे जो बच्चे होते हैं ना, नवजात बच्चे बच्चे, उनका जब अस्पताल में जन्म होगा तो जब जच्चा बच्चा को यानी कि माता और बच्चे को छुट्टी होती है ना अस्पताल से, डिस्चार्ज की स्लिप के साथ ही अब बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र के द्वारा या अस्पताल की डिस्चार्ज पर्ची जो होगी स्लिप, उसके साथ में माता पिता में से किसी का भी एक का आधार कार्ड से बच्चे का बाल आधार बनवाया जा सकेगा। उदय ने ये नियम बदल दिया, ठीक है ना। दरअसल बाल आधार आधार कार्ड का एक नीले रंग का वेरिएंट है जो कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जारी किया जाता है, लेकिन अब नए नियम के तहत 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए किसी बायोमेट्रिक डिटेल की आवश्यकता नहीं होगी। तो मतलब 5 साल से छोटे बच्चे बच्चों के लिए फिंगरप्रिंट वगैरह आधार कार्ड में नहीं देना पड़ेगा, लेकिन 5 साल की उम्र ऊपर हो जाने के बाद बायोमेट्रिक अपडेट की आवश्यकता होगी। तो ऐसे में छोटे बच्चों का आधार कार्ड बनवाने के लिए सिंपली क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, इसकी भी लिस्ट आप देख सकते हैं। उनके माता पिता में से किसी के भी एक का पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या नरेगा जॉब कार्ड से भी छोटे बच्चों का आधार कार्ड बन जाएगा। बाल आधार के लिए आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं उदय की UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए। इसके कुछ स्टेप्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा जो नया नियम, जैसा कि मैं आपको बता रहा था आधार कार्ड में बड़ा बदलाव है, अब पिता या पति का जिक्र नहीं होगा बल्कि उसके बदले क्या लिखा जाएगा और क्यों ये फैसला लिया गया। तो दरअसल आपने आधार कार्ड तो बनवाया ही हुआ होगा, उसमें आपको पता होगा दोस्तों कि जो लेडीज का आधार कार्ड होता है ना महिलाओं का, उसके पीछे या तो जब वो शादी नहीं हुई है तब तक उनके पिता का नाम लिखा होता है सन ऑफ करके, या शादी हो जाती है तो वाइफ ऑफ करके उसका हस्बैंड यानी कि पति का नाम लिखा जाता है, राइट। लेकिन अब इन दोनों को ही हटाकर उनकी जगह पर केयर ऑफ लिखा जाएगा, CO, इसका प्रयोग किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नए जो आधार कार्ड आ रहे हैं उनमें ये अपडेट आपको देखने को मिलेगा, उनमें सन ऑफ या वाइफ ऑफ की जगह पर केयर ऑफ का उपयोग किया जा रहा है। इस बदलाव के बाद आधार कार्ड के जरिए पिता या पति के साथ रिश्ते की पहचान पता नहीं चल सकेगी, यानी कि आधार कार्ड पर केयर ऑफ नाम जो लिखा होगा ना, उससे ये जज नहीं किया जा सकेगा कि ये इस लड़की का या महिला का पिता है या पति है। अब आप ये सोच रहे होंगे दोस्तों कि आखिर ये फैसला क्यों लिया गया, है ना। तो इस पर भी CSC के MD ने इस पर पूरी बात बताई है। दरअसल दोस्तों साल 2018 में आधार कार्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक विस्तृत फैसला आया था, जिस फैसले का एक पॉइंट ये भी था कि लोगों की निजता का पूरा ध्यान रखा जाए, और ये कदम उसी दिशा में है, यानी कि अब आधार कार्ड जो है रिश्तों को पब्लिक नहीं करेगा, ये एक और नई प्राइवेसी मिलेगी महिलाओं को, वन मोर स्टेप फॉर प्राइवेसी, है ना। यानी कि किसी भी महिला का आधार कार्ड देख करके उसका पति का नाम या पिता का नाम जज नहीं किया जा सकेगा, इससे क्या होगा कि रिश्तों की पहचान पब्लिक नहीं होगी, क्योंकि आधार कार्ड बहुत कॉन्फिडेंशियल चीज है और इसीलिए इसमें ये बदलाव अब किया जा रहा। हालांकि ये नया नियम कब से लागू होगा इसका अभी तक उदय की तरफ से कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। अच्छा, वही खबर देखिए आप, काम की बात है, आधार कार्ड से आप पर्सनल लोन ले सकते हैं, कैसे। तो दरअसल पर्सनल लोन का मतलब ये होता है दोस्तों कि ये लोन किसी भी संपत्ति या आपके गाड़ी वाहन व्हीकल किसी के अगेंस्ट में नहीं दिया जाता है, ये आपको खुद को आपकी खुद के गुडविल के ऊपर दिया जाता है। मतलब कि पर्सनल लोन लेने के लिए आपको किसी भी तरह की कोई भी चीज प्रॉपर्टी को गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। अभी जैसे अपन कार लोन लेते हैं तो बैंक वालों को कार की RC कागज वगैरह देने पड़ते हैं, किसी मकान पर प्लॉट पर लोन ले रहे हैं, जमीन पर लोन ले रहे हैं तो उनके कागजात बैंक वालों को देने पड़ते हैं, राइट। लेकिन जो पर्सनल लोन होता है उसका मतलब यही है व्यक्तिगत लोन, जो कि आपको पर्सनल दिया जाता है आपकी सेल्फ रेपुटेशन पर। तो पर्सनल लोन के लिए अब आप अपने आधार कार्ड से भी अप्लाई कर सकते हैं। जिस किसी भी बैंक से आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, सिंपली आपको उस बैंक के ऐप या ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और उसके बाद आपको नेट बैंकिंग में लॉगिन करना है, जहां पर आपको अप्लाई फॉर पर्सनल लोन का ऑप्शन मिल जाएगा और उस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर्सनल लोन के एप्लीकेशन में आपको अपने रोजगार, पैसे यानी कि क्या जॉब करते हैं आप, क्या कोई धंधा करते हैं, उसके बारे में जानकारी मांगी जाएगी। सब कुछ फॉर्म कंप्लीट सही भरने के बाद बैंक कर्मी डिटेल की वेरिफिकेशन करेगा आपसे फोन पर, और उसके बाद आधार कार्ड की एक कॉपी अपलोड करने के लिए आपको कहा जाएगा। बैंक जैसे ही आपके आधार की जानकारी को वेरीफाई
करेगा, आपके खाते में पर्सनल लोन की रकम जमा कर दी जाएगी। इस सुविधा को पाने के लिए कम से कम उम्र 23 साल है और अधिकतम 60 साल तक के उम्र के लोग पर्सनल लोन का फायदा ले सकते हैं आधार कार्ड से, ठीक है ना। अच्छा, वहीं और एक अपडेट आ रहा आधार कार्ड को लेकर। देखिए, बच्चों के आधार कार्ड बनाने के लिए घर घर जाएंगे डाकिया जो कि स्मार्ट मोबाइल से लेस होंगे। जी हाँ, अगर आप भी अपने छोटे बच्चे बच्चों का आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं तो अब आपको भीड़ भाड़ में कहीं लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। अब 5 साल तक के बच्चों के आधार कार्ड बनाने के लिए डाकिये आपके घर आएंगे और ये व्यवस्था अक्टूबर महीने से लागू हो जाएगी, यानी कि अगले महीने से ही। इससे पहले ब्रांच पोस्टमैन को प्रशिक्षण दिया जाएगा, ये सेवा बिल्कुल फ्री होगी। डाक विभाग को यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि उदय ने आधार कार्ड बनाने के लिए अधिकृत किया है। बैंक व डाक विभाग में जून में जब आधार कार्ड बनाने की शुरुआत की गई तो भीड़ उमड़ने लगी थी। कोरोना की तीसरी लहर की चर्चाओं के बीच सरकार ने चाइल्ड मोबाइल कनेक्शन योजना के तहत 5 साल तक के बच्चों के आधार कार्ड बनाने के लिए पोस्टमैन यानी कि डाकियों को ये कमांड सौंपी है। उन्हें स्मार्ट मोबाइल फोन दिए जाएंगे, टैबलेट वगैरह, और उसके जरिए घर घर जाकर के डाकिये जो है अपने उनका जो भी डाक का पोस्टल एरिया होगा उस लोकल एरिया में घर घर जाकर के छोटे बच्चे बच्चों का सर्वे करेंगे और उनका आधार कार्ड अगर नहीं बना हुआ है तो फिर पोस्टमैन जो है उनका आधार कार्ड घर आकर के फ्री में बनाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, साथ ही अगला अपडेट आ रहा है कि अब आप बिना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के भी आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों, उदय ने अपनी वेबसाइट पर एक और ऑप्शन जोड़ा है और उसका नाम रखा है डाउनलोड आधार कार्ड विदाउट मोबाइल रजिस्ट्रेशन। यानी कि आपके आधार कार्ड में अगर किसी भी तरह का मोबाइल फोन लिंक नहीं है तो आप अल्टरनेट मोबाइल नंबर के जरिए अब आप अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। उसके लिए कुछ डिटेल्स आपको भरनी पड़ेगी, जैसे कि आपका आधार कार्ड नंबर, आपके डेट ऑफ बर्थ, कुछ और जानकारी आपसे वेरीफाई की जाएगी और उसके बाद आप कोई भी अल्टरनेट मोबाइल नंबर, दूसरा मोबाइल नंबर डालोगे, उस पर ओटीपी आएगा और उसके जरिए भी अब आप अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर पाओगे पीडीएफ में, ठीक है ना, उदय के पोर्टल के जरिए। तो ये फैसिलिटी भी उदय ने चालू कर दी है। वहीं दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके आधार कार्ड पर कितने मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हैं, जांच करनी चाहिए, चेक करना चाहिए कहीं कि दूसरे ने भी आपके मोबाइल नंबर पर आधार कार्ड तो इश्यू नहीं कर रखा वगैरह वगैरह, है ना, तो इसके लिए भी आप ऑनलाइन इसे चेक कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन यानी कि डॉट ने हाल ही में इसको लेकर एक पोर्टल लॉन्च किया जिसके जरिए आप ये पता कर पाएंगे कि आपके आधार कार्ड पर कितने मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हैं। डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन के इस पोर्टल का नाम है टेलीकॉम एनालिटिक्स फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, टेफकॉप करके इस पोर्टल का नाम रखा गया है। पोर्टल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर सिंपली आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और उसके बाद रिक्वेस्ट ओटीपी बटन पे क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ जाएगा, होम पेज पर ही आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। कैसे चेक कर सकते हैं तो इसके कुछ स्टेप्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और जैसे आप ओटीपी डालोगे ना, आपके मोबाइल नंबर से कुल कितने आधार कार्ड रजिस्टर्ड हैं, लिंक है, सभी की लिस्ट आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगी। इसकी सिंपल स्टेप्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, तो उम्मीद है दोस्तों आधार कार्ड को लेकर ये 5 जरूरी अपडेट, नए नियम, न्यू रूल्स आपको जरूर जानने मिले होंगे। वैसे आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य में रहते हैं ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल DLS न्यूज पर पहली बार आए हैं ना तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।